नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, सीजन में दूसरी बार दोनों टीमों के बीच भिड़ंत होने वाली है। अबुधाबी के शेख जायद स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा। आईपीएल का 39वां मैच होगा। दोनों टीमों के लिए प्लेऑफ के हिसाब से ये मुकाबला काफी ज्यादा अहम होने वाला है। आपको बता दें, 9 मैचों में केकेआर के 10 अंक हैं, वहीं 9 मैचों में आरसीबी के 12 अंक हैं। जो भी टीम ये मुकाबला जीतेगी वो प्लेऑफ की तरफ अग्रसर कर जाएगी। इससे पहले भी दोनों टीमों के बीच मुकाबला खेला गया था, जहां पर आरसीबी ने पूरी तरह से केकेआर को हराया था। तब दिनेश कार्तिक केकेआर के कप्तान थे और अब ओयन मॉर्गन केकेआर के कप्तान हैं। 82 रनों से केकेआर को आरसीबी ने मात दी थी। टी20 क्रिकेट में 82 रनों से हारना बड़ी बात होती है। उस मैच में टॉस जीतकर बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। एवी डिविलियर्स के तूफानी अर्धशतक के दम पर टीम ने 20 ओवरों में 2 विकेट गंवाकर 194 रन बनाए थे। इसके जवाब में कोलकाता की टीम 9 विकेट के नुकसान पर 20 ओवरों में 112 रन ही बना सकी थी। इस मैच में एवी डिविलियर्स के बल्ले से तूफानी अर्धशतक निकला था। 33 गेंदों का सामना करते हुए डिविलियर्स ने 73 रनों की पारी खेली थी, 5 चौके और 6 छक्के भी लगाए थे, जबकि आरन फिंच ने 37 गेंदों का सामना करते हुए 47 रनों की पारी खेली थी। जवाब में केकेआर की टीम 112 रन ही बना सकी। बेंगलोर की तरफ से क्रिस मॉरिस और वॉशिंगटन सुंदर ने 2-2 विकेट अपने नाम किए थे, लिहाजा केकेआर को 82 रनों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसके अलावा पिछले मुकाबले की बात करें तो केकेआर ने सुपर ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद को हराया है। कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला टाई हो गया था। कोलकाता के द्वारा दिए गए 164 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की टीम 163 रन ही बना सकी और मुकाबला बराबरी पर छूट गया। सनराइजर्स हैदराबाद की खराब किस्मत ही कहे कि मैच के करीब आकर उन्हें केकेआर के खिलाफ सुपर ओवर में हार का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें, कोलकाता ने टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 163 रन का स्कोर बनाया था और हैदराबाद ने भी 6 विकेट गंवा कर इतने ही रन बनाए। इसके बाद सुपर ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन की खतरनाक गेंदबाजी के दम पर केकेआर ने मैच अपने नाम कर लिया। दूसरी ओर आरसीबी को भी पिछले मैच में जीत मिली है। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ एवी डिविलियर्स ने एक हारा हुआ मैच अपनी टीम को जिता दिया। 22 गेंदों का सामना करते हुए 55 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम को उन्होंने जीत दिलाई। डिविलियर्स के अलावा सारे बल्लेबाज फ्लॉप साबित हुए थे। निरंतरता की कमी आरसीबी के बल्लेबाजों में दिखी है। वो तो डिविलियर्स हैं जो हारा हुआ मैच भी अपनी टीम को जिता दे रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आरसीबी और केकेआर में किसे जीत मिलती है। केकेआर के लिए रसेल की इंजरी और फॉर्म समस्या का मुख्य विषय है, जबकि आरसीबी के लिए फिंच का ना चलना सबसे बड़ी समस्या है। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।